उपसभापति महोदय, 1 जून 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इशरत नबी से बात की। इशरत नबी वह महिला है जो उस जिले से आती है जो जिला आतंकवाद से पीड़ित था, बारामूला। आज इशरत नबी एक डेयरी चलाती है और 150 लीटर दूध बेचती है, जो बारामूला आतंकवाद का केंद्र था, आज 5.5 लाख लीटर दूध का उत्पादन कर रहा है। न्यू व्हाइट रिवॉल्यूशन का केंद्र बन गया। जहां खून की नदी बहती थी, वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी योग्यता से, कर्मठता से आज दूध की नदी बहा दी है। यह इस सरकार का वह कर्तव्य है, वह कार्य है जो दुनिया देख रही है। सभापति महोदय, यदि कांग्रेस की सरकारें अपनी ही पार्टी की बात मानती तो 41,000 लोग जो अधिकृत आंकड़े हैं उनकी हत्या नहीं होती। 41,000 लोग जो मारे गए जम्मू कश्मीर में 1990 से लेकर 2017 तक, इससे पहले 1964 में जब आर्टिकल 370 को हटाने के लिए लोकसभा में प्रकाश वीर शास्त्री ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, तब लोहिया जी ने कहा कि मैं इस कांग्रेस सरकार को यह नहीं कह सकता हूं कि अपने पांव पर खड़े हो, चूंकि इनके पास पाउंड नहीं है, ये टूटी लकड़ी के सहारे चलते हैं। तो एक सदस्य ने कहा था कि आप अपना पांव दे दीजिए, तो लोहिया जी का जवाब था, यदि पांव मेरा होगा, मस्तिष्क इनका होगा, तो देश में बर्बादी मच जाएगी। यह कांग्रेस पार्टी ने वही बर्बादी देश में लगातार करती रही है। यदि अपनी ही पार्टी के हनुमंतैया की बात मानते, जो संविधान सभा के सदस्य थे और लोकसभा में उन्होंने कहा, आप जम्मू कश्मीर की नीति ईस्ट और वेस्ट को देखकर बनाते हैं, क्या हम पश्चिम के डिक्टेशन के आधार पर करेंगे या लोकसभा में जो डायरेक्शन होगा, जो सदन का डायरेक्शन होगा, उसके आधार पर करेंगे। डिक्टेशन और डायरेक्शन की बहस चलती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी, जहां लोहिया जी थे, जहां जम्मू कश्मीर के सभी सदस्यों ने एक मत से कहा 370 हटा दो, नहीं हटाया, लेकिन देश में खून की नदी बही और अंत में 5 अगस्त को यह ऐसा एक ऐसे आर्टिकल को हटाया गया जो संविधान पर न सिर्फ धब्बा था बल्कि देश पर धब्बा बना। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह कर्म, अमित शाह जी के द्वारा लाया गया बिल जो कानून का रूप लिया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगाया, जिसे देश और दुनिया समझती थी कि शायद 370 को हटाने पर देश में अराजकता फैल जाएगी, देश में सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने दिनकर जी के उस कथन को सिद्ध कर दिया है। कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ही 370 को हटाकर किया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, तब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या थी, और उसी प्रतिक्रिया का परिणाम था कि ये सर्वोच्च न्यायालय तक गए। अभी तक इन्होंने हृदय से इसको स्वीकार नहीं किया है, तकनीकी रूप से ऐसे ही स्वीकार कर रहे हैं, जैसे राम मंदिर के निर्णय के बाद ये राम मंदिर को स्वीकार कर रहे हैं, 370 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद स्वीकार कर रहे हैं। इनके दिलों और दिमाग में अभी भी 370 और बाबरी मस्जिद बैठा हुआ है। इस पार्टी की, इस विचारधारा की नियति यही है कि इस देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाएं, इसलिए देश ने बार बार खारिज करता है। सभापति महोदय, इस 370 के हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर में जो एकलव्य और आराधिका की कहानी चलती थी, जो 257 सफाई कर्मचारी को पंजाब से कश्मीर लाया गया था, चूंकि कश्मीर में सफाई कर्मचारी की हड़ताल था, ये वाल्मीकि समुदाय के 3,000 लोग किसी रोजगार के लायक नहीं थे, वे बाध्य थे। राधिका एक राज्य स्तर के एथलीट थी, लेकिन उसे कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। एकलव्य एक ग्रेजुएट था, उसे सफाई कर्मचारी बनने के लिए बाध्य किया जा रहा था। आज 370 हटने के बाद कोई राधिका और एकलव्य की ऐसी कहानी नहीं होगी जो मानवता के ऊपर एक कलंक होगा। आज राधिका और एकलव्य को, हजारों राधिका एकलव्य को समान अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जम्मू कश्मीर ऐसा ही है, जैसे जम्मू कश्मीर के एक सदस्य ने
1964 में उस बिल को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो पूछा था कि हम महाराष्ट्र से अलग कैसे हैं। सरकार के पास इसका उत्तर नहीं था, स्वयं कांग्रेस पार्टी के और कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य ने जब यह सवाल खड़ा किया भागवत झा आजाद ने कि ब्रिटेन और अमेरिका जो कहेगा उसके आधार पर हम कश्मीर की नीति तय करेंगे, लेकिन सरकार तब भी चुप्पी बनाई रखी। आज पहली बार देश में ऐसी परिस्थिति बनी है कि देश की सरकार संसद के आधार पर, जनता की इच्छा शक्ति के आधार पर निर्णय ले रही है। उसी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि जो जिन सियासतों को हमने 50 के दशक में सरदार पटेल ने इस देश का को अंगीकार कराया था, इस देश में इंटीग्रेट कराया था, एक जम्मू कश्मीर अफवाद के रूप में था जिसे माननीय अमित शाह जी ने पूरा कर दिया। इस देश में एकता का जो चक्र अपूर्ण था उसे पूर्ण कर दिया गया 5 अगस्त 2018 को। यह सरकार का यह 109 से लिखा गया एक कार्रवाई है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्थापित किया है। सभापति महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जिस प्रकार से इस देश की एकता और अखंडता के लिए लोग चिंतित रहते थे और उस चिंता का खोखलापन क्या था, मैं इस इंस्टांस से समाप्त करता हूँ। जिस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया, डिटेंशन में उनकी रहस्यमय मृत्यु हुई जो कि एक हत्या थी, उनकी माँ जोगमाया देवी जी ने जब नेहरू जी से कहा मैं आपके पत्र से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं आपके पत्र के द्वारा आपकी संवेदना नहीं चाहती हूँ, मुझे सिर्फ यह चाहिए, न्याय चाहिए, मेरा पुत्र शहीद हुआ है, ही जे मार्टर, उन्होंने शहादत के लिए एक न्याय मांगा और नेहरू जी ने किसी भी प्रकार के जांच से इनकार कर दिया। जोगमाया देवी जी को न्याय नहीं मिला, लेकिन 370 को हटाने के बाद शायद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और जोगमाया देवी जी दोनों को यह संतुष्टि हो रही होगी कि इस देश में ऐसी सरकार बनी, ऐसे शासक आए जिन्होंने शहादत के परिणाम को इस देश को दिखाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो कहा था एक देश में एक निशान एक प्रधान, आज वही साबित हो रहा है। यह देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिमालय पर्वत के नीचे आज हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होकर इस दुनिया में खड़े हैं। विकास और समृद्धि इस देश का चरण चूम रही है। आज मैं विपक्ष से इतना ही अंत में अपील करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के कार्यों को, देश के एकता और अखंडता के रास्ते को आप स्वीकार कीजिए। इसको अस्वीकार करके आप देश की जनता में दिनों दिन अस्वीकृत होते जाते हैं। यदि अपनी अस्वीकृति को थामना है, रोकना है, तो अपने पाँव में लगाम लगाइए और टूटी लकड़ी के सहारे मत चलिए। यदि चलना है तो ऐसी लकड़ी ढूंढिए जो लकड़ी आपको सहारा दे सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को समृद्ध किया। धन्यवाद।